हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 5 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल मींस क्या होता है? हमारे शरीर का ढांचा, हमारे शरीर में किस तरह से कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियों में से कौन कौन सी हड्डियों के क्या क्या काम होते हैं। और मस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब होता है? हमारे शरीर में कितने प्रकार की मसल्स होती हैं और वो मसल्स क्या क्या काम करती हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी की अलग अलग मसल्स को दिखाया गया है। तो हम इस चैप्टर में हमारे शरीर की हड्डियाँ, हड्डियों के जॉइंट, मसल्स, मसल्स के प्रकार और उनके काम करने का फंक्शनिंग क्या क्या है, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट द बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ पर्सन। स्केलेटल क्या होता है? हड्डियों का एक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के मनुष्य या जानवर या सभी लोगों के शरीर को सपोर्ट देने का काम करता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए स्ट्रॉन्ग स्केलेटल स्ट्रक्चर। हमारा शरीर जो है वो उसी स्केलेटल स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा होता है। द स्केलेटन ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। स्केलेटन जो है वो हमारे शरीर को आकार भी प्रदान करता है। इट इज बिकॉज ऑफ द फर्म सिलेक्शन स्केलेटन दैट द बॉडी फंक्शन लाइक ए परफेक्ट मशीन। अगर हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम एकदम सही होगा तो हमारी शरीर जो है मशीन की तरह काम करेगा। इट हेल्प अस टू मूव, वर्क, लिसन, सी, स्पीक, ईट एंड ड्रिंक एज वी डिज़ायर। हमारी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं? खाना, पीना, चलना, बोलना, तो ये सारे काम हमारे स्केलेटन के द्वारा होते हैं। द स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड एनेबल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। ये क्या करता है? हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं जिनको हमको रक्षा की ज़रूरत होती है, ये उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है और हमारी बॉडी को मूवमेंट देने का काम करता है। देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी ऑल दो अ ह्यूमन चाइल्ड हैज़ मोर देन 350 बोन्स। बच्चे के शरीर में 350 हड्डियाँ होती हैं और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, एडल्ट होता जाता है, तो 206 बोन्स उसके बॉडी में होती हैं। सम बोन्स गेट फ्यूज्ड ग्रेजुअली एज द चाइल्ड ग्रो अप। क्या होता है? 350 बोन्स धीरे धीरे करके आपस में जुड़ती जाती हैं और 206 में कन्वर्ट हो जाती हैं। बोन्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस फॉर देयर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। बोन्स को उनके मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर बोन्स। बोन्स के लिए क्या ज़रूरी है? कैल्शियम है, विटामिन है, ये आवश्यक न्यूट्रिशंस होते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कुल, द बैकबोन, द रिब केज एंड टू पेयर्स ऑफ लिम्स। द बोन्स आर फिल्ड विथ ए सॉफ्ट फैटी मटेरियल कॉल्ड बोन मैरो। इट इज ऑल्सो स्टोर्ड फैट। तो हमारे शरीर में क्या क्या होता है? स्केलेटन में एक बैकबोन होती है, ठीक है, एक हमारे बॉडी के में मुख्य क्या होती है, ये बैकबोन होती है, उसके बाद एक रिब केज होता है, ठीक है, और टू पेयर्स ऑफ
लिम्स, टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है। और इस हड्डियों के अंदर एक फैटी मटेरियल भरा हुआ होता है जिसको कि अपन बोन मैरो कहते हैं। स्कल, स्कल इज ए हार्ड बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। देखिए ये यहाँ पर आपको स्कल दिखाया जा रहा है, ये स्कल है जो हार्ड बोन्स का मटेरियल बोन होती है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ये कितने बोन्स से मिलके बना होता है? 22 बोन्स से मिलके बना होता है। 8 फ्लैट बोन्स गेट इंटरलॉक्ड टुगेदर टू कवर आवर हेड। 8 हड्डियाँ जो हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं जो कि हमारे सिर को कवर करती हैं। द अपर जॉ इज फिक्स्ड एंड द लोअर जॉ इज मूवेबल। मुंह के जो ऊपर के जबड़े हैं वो फिक्स रहते हैं और नीचे के जबड़े जो हैं वो मूवेबल रहते हैं। इट एनेबल अस टू ईट एंड टॉक, जिससे कि हम बोल सकते हैं और खा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज योर रिब केज। द रिब केज आर नैरो कर्व्ड बोन्स दैट फ्रॉम ए केज ऑफ ए बोन अराउंड द चेस्ट विच इज कॉल्ड द रिब केज। इस तरह का आपका गोल गोल हड्डियों का एक पिंजर होता है, पिंजड़ा होता है, ठीक है, उसको ही हम रिब केज कहते हैं जो कि हमारे चेस्ट को कवर करता है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। यहाँ पर कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के? 12 पेयर होते हैं। दे आर ज्वाइंट विद द लॉन्ग बैक बोन। और ये सारे किससे जुड़े रहते हैं? आपके इस बैक बोन से जुड़े हुए रहते हैं। एंड द फ्लैट ब्रेस्ट बोन्स इन द फ्रंट कॉल्ड स्टर्नम। और जो सामने की बोन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। द लोएस्ट टू पेयर्स आर कॉल्ड फ्लैटिंग रिब्स। लोएस्ट टू पेयर्स आर कॉल्ड फ्लैटिंग रिब्स विच आर ज्वाइंट ओनली एट द बैकबोन, जो कि केवल बैकबोन से जुड़े हुए होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बैकबोन एंड स्पाइन। द बैकबोन सपोर्ट अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अवर बंडल ऑफ सेंसरी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन क्या करती है? ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है और सेंसरी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जिससे हमें सेंसेशन मिलता है वो उसको भी कवर करती है। द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन। और जो हमारा स्कल है वो बैकबोन से अटैच्ड होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रेटा। ये 33 बोन्स का कलेक्शन है। द वर्टेब्स फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग कॉलम कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइन। और इस ये जिनसे जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं। द वर्टेब एंड द इनर कनेक्टेड टू द सच अ वे दैट मेक बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग पॉसिबल। वो इस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं जिससे हम अपने शरीर को बेंड कर सकते हैं और ट्विस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज योर लिम्स। लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स टुगेदर आर कॉल्ड लिम्स। हाथ और पैरों को की जो हड्डियां होती हैं हम उसको लिम्स कहते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। यहाँ पर हमारे बॉडी में 2 पेयर लिम्स के होते हैं, एक फोर लिम्स होते हैं जो कि हाथों में होते हैं, आर्म्स में होते हैं, और दूसरा हिंड लिम्स होते हैं जो कि लेग्स में होते हैं। लिम्स आर नॉट जॉइंटेड डायरेक्टली टू द बैकबोन बट आर जॉइंट थ्रू ग्रेडल्स, ठीक है। लिम्स जो हैं वो डायरेक्टली बैकबोन से जुड़े नहीं रहते हैं, ये ग्रेडल्स से जुड़े रहते हैं। ग्रेडल्स आर द बोनी स्ट्रक्चर। ये भी क्या है? एक हड्डियों का स्ट्रक्चर है। फोर लिम्स आर जॉइंटेड टू द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर ग्रेडल्स। जो हाथ के
हड्डियाँ हैं वो शोल्डर के ग्रिडल से जुड़े रहते हैं, और फिर ये ग्रिडल्स जो है किससे जुड़े रहते हैं, हमारे बैकबोन से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ग्रिडल्स आर द बॉडी बोन हो गया। द अपर आर्म्स हैज ए सिंगल लॉन्ग बोन दैट एक्सटेंड्स अप टू द एल्बो। एक लंबी हड्डी होती है जो एल्बो तक जुड़ी रहती है। द लोअर आर्म हैज टू बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड द लूना। नीचे दो हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम रेडियस और लूना कहते हैं। ऊपर एक हड्डी होती है और नीचे दो हड्डियाँ होती हैं। दो हड्डियों के नाम क्या क्या हैं? रेडियस और लूना। विच आर टुगेदर कॉल्ड रेडियो लूना। इनको हम क्या कह देते हैं एक साथ मिला करके? रेडियो लूना। देयर आर 27 बोन्स इन द यंग हैंड एंड रिस्ट। हाथ में और इसमें टोटल 27 बोन्स होती हैं। द फ्यूमर इज द पावरफुल थिंग बोन। फ्यूमर जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बहुत ताकतवर हड्डी होती है। विच बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी, जो कि हमारे पूरे शरीर का वजन उठाती है। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। थिंग्स थाई बोन्स आर कनेक्टेड टू द प्रिलिव ग्रिज। थाई बोन्स जो है वो किससे जुड़ी रहती हैं? प्रिलिव ग्रिज से जुड़ी रहती हैं। थिंग्स बोन्स आर कनेक्टेड टू द प्रिलिव ग्रिज। देयर आर 26 स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड द फूट। यहाँ पर 26 बोन्स होती हैं जो एंकल और पैर के पंजों पर होती हैं। तो ये था हमारा लिम्स का वर्किंग और उनके बोन्स की काउंटिंग, कि कौन कौन सी लिम्स को हम क्या कहते हैं और उनको कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं इन स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। द स्केलेटन सिस्टम हैज़ द फंक्शनिंग एज शोन बिलो। द स्केलेटन गिव्स शेप स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड। ये हमें शेप देता है, स्ट्रेंथ यानी मजबूती देता है और सपोर्ट देता है। इसके बिना हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स डिलीशियस इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या करता है? हमारे अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रिब केजेस प्रोटेक्ट आवर हार्ट। तो क्या होता है, स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बैकबोन जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और रिब केज जो है वो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारे शरीर के विभिन्न भागों में मूवमेंट देने का काम करता है। इट कंटेन्स बोन मैरो विच वेयर वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये बोन मैरो हमारी जो हड्डियों में भरा होता है वो कौन बनाता है? रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, WBCs और RBCs। बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन्स क्या करती हैं? वो स्टोर हाउस कहलाती हैं। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्टोर करके रखती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे ज्वाइंट्स। अ ज्वाइंट इज ए पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट। ज्वाइंट क्या है? दो हड्डियों के मिलने का स्थान है। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। बोन्स क्या है? आपस में एक धागे से जुड़ी रहती हैं जो कि बहुत मजबूत होता है, और हम इसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं।
Our skeleton has many joints. Except for the skull, movement is possible in all the joints. In the skull, the bones are interlocked, making the joints immovable. यहाँ पर स्कल, एक जो हमारे सिर की हड्डियाँ होती हैं वो बस मूवमेंट वाली नहीं होती हैं, बाकी सारी हड्डियाँ मूवमेंट वाली होती हैं. क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो आपस में इंटरलॉक्ड होती हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. मूवेबल जॉइंट्स के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला प्रकार है बाल एंड सॉकेट जॉइंट. देख रहे हैं आप यहाँ पर बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऑफ हिप्स. सच अ जॉइंट वन बोन दैट एंड इन द बॉल शेप. एक बोन रहती है जो कि बॉल शेप की रहती है. फिट्स इंटू द सॉकेट ऑफ द अदर. वो दूसरे के सॉकेट में जाके फिक्स हो जाती है. किस तरह से? इस तरह से वो आपस में फिक्सिंग हो जाती है. इट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट, जो कि हमें अधिकांश मूवमेंट देती है. शोल्डर्स एंड हिप्स जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. शोल्डर और हिप्स हमारे एग्जाम्पल हैं इसके. नाउ द नेक्स्ट इज योर हिंग जॉइंट्स. हिंग जॉइंट ऑफ एल्बो. दिस इज ए लाइक ए हिंग इन ए डोर. ये कैसे होते हैं? दरवाजे में जो कब्जा लगा रहता है उसके जैसे ये होते हैं. इट अलाउज ओनली बैक एंड फ्रंट मूवमेंट. ये आगे और पीछे के मूवमेंट को अलाउ करते हैं. एल्बो, नीज, फिंगर्स एंड टोस हैव दिस टाइप ऑफ जॉइंट. कहाँ कहाँ पर होते हैं? एल्बो, हाथ की कोहनी में, घुटने में, उंगलियों में और पैर की उंगलियों में इस तरह के जॉइंट्स होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज योर पैवलेट जॉइंट्स. पैवलेट जॉइंट्स कहाँ पर होंगे? हेड के. पैवलेट जॉइंट्स ऑफ हेड. पैवलेट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टेब ऑफ स्पाइन. ये कहाँ पर होते हैंगे? स्कल और वर्टेब के बीच में, जो शुरू के दो वर्टेब होते हैं वो स्पाइन से जुड़े रहते हैं, उनको हम पैवलेट जॉइंट कहते हैं. इट हेल्प्स टू मूव अवर हेड साइडवेज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. ये हमें किस चीज़ के लिए मदद करते हैं? ये हमारे सिर को आगे पीछे ऊपर नीचे करने में मदद करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज योर ग्लाइंडिंग जॉइंट्स. ग्लाइंडिंग जॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर हैं रिस्ट के और एंकल के, दो ग्लाइंडिंग जॉइंट्स हमारी बॉडी में. दिस जॉइंट इज फाउंड इन द बोन ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स. इट इज ऑल्सो दीज बोन्स टू साइड अगेंस्ट ईच अदर इन ए ग्लाइंडिंग मोशन. ये हमारे पूरे शरीर को आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाने के लिए हेल्प करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज योर मसल्स. अब हम बात करेंगे हमारे शरीर की विभिन्न मसल्स के बारे में, नसों के बारे में. ठीक है, मसल्स आर फ्लैशी बंडल ऑफ थिन इलास्टिक लाइक मटेरियल इन अवर बॉडी. मसल्स कैसी होती हैं? पतली पतली मांस की ऐसी नसें होती हैं जो इलास्टिक के जैसे काम करती हैं. कनेक्टेड टू द बोन्स बाई टेंडन्स. और ये हमारी हड्डियों से जुड़ी रहती हैं. ठीक है, टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट कनेक्टेड बोन्स टू द मसल्स. ये जो टेंडन्स होते हैं वो क्या होते हैंगे? नसें ही होती हैं, परंतु इतनी स्ट्रॉन्ग फाइबर, रस्सी के जैसी होती हैं कि जो एक दूसरे को, हड्डियों को और मांसों को आपस में जोड़ के रखती हैं. देयर आर 650 डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी एंड ईच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर मूवमेंट. सारी मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में, जो 650 मसल्स हैं वो क्या करती हैं? बॉडी मूवमेंट के लिए हेल्प करने का काम करती हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस लाइक
डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन और एक्सेट्रा। और ये जो है हमारी बॉडी में डाइजेशन, रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस के लिए भी हेल्प करती हैं। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स क्या है। पहली है वॉलेंटरी मसल्स। मोस्ट ऑफ द मसल्स इन आवर बॉडी आर अंडर आवर कंट्रोल। सारी मसल्स क्या है हमारे बॉडी में हमारे कंट्रोल में होती हैं। दे आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स। दीज मसल्स आर फाउंड इन आर्म्स, लेग्स, आईज, टंग एक्सेट्रा। ये मसल्स कहाँ कहाँ पर मिलती हैं? हमारे लेग्स में, आईज में और टंग में। वी रन, वॉक, बेंड एंड स्ट्रेच विद दी हेल्प ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। हम दौड़ना, भागना, मुड़ना, ये सब हमारे को वॉलेंटरी मसल्स की हेल्प से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इनवॉलेंटरी मसल्स। दीज मसल्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, इसलिए हम इन्हें इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। वैन वी सॉलो आवर फूड इट मूव थ्रू एलिमिनेटरी कैनल। ठीक है, जब हम अपना खाना गुटकते हैं तो ये एलिमिनेटरी कैनल्स में होती हैं। इनवॉलेंटरी मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। दे फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी एंड दे मूव ऑफ लंग्स। ये क्या है, बॉडी में ब्लड के फ्लो के लिए हेल्प करती हैं और लंग्स के मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है आपका कार्डिक मसल्स। दीज मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। जो हार्ट के अंदर मसल्स पाई जाती हैं उन्हें हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। दीज आर इनवॉलेंटरी इन नेचर, ये इनवॉलेंटरी नेचर की होती हैं। बट आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलेंटरी मसल्स, लेकिन ये बनी कैसी होती हैं, वॉलेंटरी मसल्स के जैसी। एज द मसल्स आर इनवॉलेंटरी दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। चूँकि ये इनवॉलेंटरी मसल्स हैं इसलिए ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। एंड वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड। और ये जब तक हम जिंदा रहते तब तक काम करती रहती हैं। तो ये थी हमारी मसल्स। अब इसके बाद देखते हैं वर्किंग ऑफ मसल्स क्या है। अ पेयर ऑफ मसल्स वर्क एट ए जॉइंट टू ब्रेन अबाउट मूवमेंट। सारी जो मसल्स हैं उनके पेयर वो हमारे ब्रेन से जॉइंट रहते हैं और मूवमेंट करवाते हैं। दे स्ट्रेच्ड एंड कंट्रोल्ड, खींचने का काम करते हैं, सिकुड़ने का काम करते हैं। व्हेन वी लिफ्ट वेट दे बिचेप बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राइसेप मसल्स स्ट्रेच। तो यहाँ पर दो प्रकार के मसल्स होती हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप। बाइसेप मसल जो हैं वो वजन उठाते समय सिकुड़ती हैं और ट्राइसेप फैलती हैं। व्हेन वन ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग शॉर्टन एंड टाइटन द अनदर लेंथेंस एंड रिलैक्स। मतलब एक खींचती है और कड़ी होती है तो दूसरी सिकुड़ती और रिलैक्स करती हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द मसल्स। मसल्स प्ले फोर इम्पॉर्टेंट रोल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में चार प्रकार के जरूरी काम करती हैं। पहला, कॉजिंग मूवमेंट, हमारे शरीर को मूवमेंट देने का काम करती हैं। मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर अ रिजल्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। दे पुल द बोन्स टू कॉज मूवमेंट। ये क्या करती हैं, हड्डियों को खींचती हैं जिससे हम कोई भी काम को कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेंटेनिंग पोस्चर। हमारे शरीर का पोस्चर मेंटेन करने के लिए मसल्स हेल्पफुल हैं। स्केलेटल मसल्स हेल्प इन मेंटेनिंग आवर बॉडी पोस्चर। नाउ नेक्स्ट इज स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स। मसल्स होल्ड आवर जॉइंट्स
firmly and prevent them from being damaged while moving. हमारी मसल्स क्या करती हैं, स्टेबलाइजिंग मसल्स उनको अच्छे से पकड़ के रखती हैं और डैमेज होने से बचाने का काम करती हैं. लास्ट इज जनरेटिंग हार्ट. द फोर्थ फंक्शन ऑफ मसल्स इज टू जनरेट बॉडी हीट, सॉरी जनरेटिंग हीट. ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में तापमान को बनाने का काम करती हैं. दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मसल्स एक्टिविटीज़, और ये मसल्स एक्टिविटीज़ का बाई प्रोडक्ट है. तो इस प्रकार से हमने आज के चैप्टर में क्या क्या देखा, स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, स्कुला में 22 बोन्स होती हैं, स्पाइन में 33 बोन्स होती हैं, रिब केज में 12 बोन्स होती हैं, लिम्स में और हाइंडिंग लिम्स और ग्रीन लिम्स होते हैं. बोन्स के अलग अलग शेप साइज होते हैं. बोन्स हमारे बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती हैं और मूवमेंट देने का काम करती हैं. जो मसल्स हैं वो हमारे शरीर को सपोर्ट देने का काम करती हैं. और हमारे को तीन प्रकार की मसल्स देखने को मिली, एक वॉलेंट्री मसल्स, एक इनवॉलेंट्री मसल्स और तीसरा कार्डिक मसल्स. अब इस चैप्टर के कुछ जो शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस हैं, ये आप अपने से घर पे ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, और यदि आपसे नहीं बनेगा तो हम आपके क्लासरूम में आपको इसके सॉल्यूशंस भेज देंगे. और यदि कोई भी डाउट होता है तो मैसेज के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको उसका हेल्पिंग वीडियो साथ में भेज दूंगा, जिससे आप लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारी आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊंगा. तो बच्चों, तब तक ध्यान रहिए, पढ़ाई करिए और सुरक्षित रहिए.